हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है हायर नॉन कॉर्डेट्स। और हायर नॉन कॉर्डेट्स से आज हमने टॉपिक लिया है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। दोस्तों, अगर हम पाइला से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की बात करें, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, सेंस ऑर्गन्स ऑफ पाइला, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, ये सब एग्जाम पेपर में बहुत ही कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, ये बार बार रिपीट होते हैं, इसको मैंने पहले ही कवर कर दिया है। चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हायर नॉन कॉर्डेट बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। आज हम पाइला के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये भी 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कॉर्डेटा के बारे में, तो उसमें जितने भी आपकी चार यूनिट हैं, चार यूनिट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि एग्जाम पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, उसमें मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा लोअर नॉन कॉर्डेट्स के नाम से। वहां पर जैसे आप प्लेलिस्ट को ओपन करते हो, आपको लगभग 14-15 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे आपके एग्जाम पेपर तक मैं पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। ठीक है, आज का जैसे हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, तो पाइला का जो नर्वस सिस्टम है वो काफी डेवलप होता है। ठीक है, इसको थोड़ा इसके जैसे हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसके बारे में। तो आज उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला। अब हम पाइला के नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से पाइला के नर्वस सिस्टम को सीख लोगे। यहाँ पर अभी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही होगी, यार ये क्या क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया, ये किस तरह से गैंग्लिया कम से, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ कॉम्यूसूर्स। ठीक है, ये जो सिर्फ और सिर्फ तीन वर्ड्स हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ इसके नर्वस सिस्टम में थ्री वर्ड्स को याद रखना है। ठीक है, अभी आपको बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है, मतलब एक उलझे हुए धागे के समान। लेकिन आपको अगर कोई धागा उलझा है, उसको समझना है, क्योंकि समझना जरूरी है, तो उसको आपको क्या करना होगा, सुलझाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमें तोड़ तोड़ कर चीजों को समझना है। नंबर फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला, तो पाइला का नर्वस सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं, कंप्लीट नर्वस सिस्टम की। अभी हम यहाँ पर पूरे धागे के बारे में ही जान लेना चाहिए कि आखिर ये धागा किस तरह का दिखाई देता है। तो पहली बात तो ये जो पाइला का नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्लीट डेवलप होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित होता है और बड़ी स्पेसिफिक टाइप का होता है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ज्यादातर गैंग्लिया होते हैं वो बक्कल मास के अराउंड एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, और इसका जो विसरल नर्व कॉर्ड है, इसका जो विसरल नर्व कॉर्ड, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा 8 शेप की आकृति बना रहा है। ठीक है, आप इसे क्या बोलोगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है 8 की तरह दिखाई दे रही है, 8 शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम 8 शेप की स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है कि भाई पाइला का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह का दिखाई देता है, किस टाइप का होता है, मैंने आपको बताया कंप्लीट डेवलप होता है, स्पेसिफिक टाइप का होता है। क्यों होता है, मैंने आपको बताया कि गैंग्लिया में क्या होता है, इसमें ज्यादातर जो गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम गैंग्लिया की ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, गैंग्लिया सबसे पहला मेन पॉइंट, और फिर उन गैंग्लिया को जोड़ने वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वो जोड़ने वाले पॉइंट दो तरह के होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी यहां पर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि पाइला का नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो मैंने आपको बताया भाई पाइला का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसमें ज्यादातर गैंग्लिया बक्कल मास, ये ऊपर वाला पार्ट है जो बक्कल मास के अराउंड आता है, बक्कल मास के अराउंड जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसका जो विसरल नर्व कॉर्ड है वो मुड़ करके अब कंप्लीट 8 शेप, जैसा कि आपने देखा इस 8 शेप की आकृति शेप को बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले डायरेक्टली देखो, यह है लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया, यह है राइट सेरिब्रल गैंग्लिया, सभी के सभी पेरिड पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब जोड़े में पाए जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सेरिब्रल गैंग्लिया हो, ठीक है, एक को छोड़ करके, एक होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, ये जो है पेरिड में नहीं पाया जाता, ये सिंगल ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आता है, देखो पाइला का अगर नर्वस सिस्टम आपको याद करना है, माइंड में फिक्स करना है, ताकि हम एग्जाम पेपर तक ना भूलें, तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 वर्ड्स को याद करना होगा। नंबर फर्स्ट है गैंग्लिया। ठीक है, ये वर्ड याद रहेगा, क्योंकि इसमें पाइला की पूरी स्ट्रक्चर में 3 वर्ड्स मिलेंगे। नंबर फर्स्ट होता है गैंग्लिया, नंबर सेकेंड होता है कॉम्यूसूल्स। ठीक है, कॉम्यूसूल्स क्या होते हैं, जो कि गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हैं। नंबर थर्ड आएगा कनेक्टिव्स। ठीक है, कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हैं।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहली बात यह है कि अभी सबसे पहले डिस्कस करना है गैंग्लिया के बारे में। तो आइए मैं 3D स्ट्रक्चर से पहले सबसे पहले यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, ये होता है गैंग्लिया, यहाँ पर ये गैंग्लिया, यहाँ पर ये गैंग्लिया, यहाँ पर ये गैंग्लिया, ऐसे आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। हम चलते हैं 3D स्ट्रक्चर में ताकि आपको पोजिशन पता चल सके कि आखिर गैंग्लिया की पोजिशन क्या है। तो ये है हमारी 3D स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो किस तरह से स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। देखिए है तो बिल्कुल बराबर कुछ इस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बताऊँ, अगर ये जो इसे हम इस स्केच पेन को 2D प्लान पर इस तरह से एडजस्ट मतलब कि एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ छोटा सा पोर्शन ही एडजस्ट हो पा रहा है, बाकी सब 3D में आ रहा है। ठीक है, तो 2D प्लान पर 3D को रिप्रेजेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी थोड़ी कमी जरूर नजर आएगी क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर का डायग्राम है और हमने कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 2D स्ट्रक्चर में, लेकिन क्या बोलोगे आप इसको 3D स्ट्रक्चर। और इस 3D स्ट्रक्चर में हम समझेंगे गैंग्लिया की पोजिशन के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट गैंग्लिया की पोजिशन की बात करें तो ये देखें, इस गैंग्लिया को ध्यान से देखो, इसको बोला जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया या फिर लेबियल गैंग्लिया। ठीक है, ये जो अब यहाँ पर इस पोजीशन को यहाँ से भी रिलेट करने की कोशिश करना, ये देखो लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, यह राइट सेरिब्रल गैंग्लिया क्योंकि ये राइट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो भी मिलेगा गैंग्लिया सब पेरेंट में मिलेगा, एक को छोड़कर, सुप्रा इंटेस्टाइनल को छोड़कर के। यहाँ पर देखो इस जस्ट इसके पीछे की तरफ है जो कि इसके जस्ट बराबर में है, यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा ऊपर की तरफ है लेकिन जस्ट बराबर के रूप में है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। सो इसे बोलेंगे बक्कल गैंग्लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम बक्कल गैंग्लिया और दोनों के दोनों पेयर्ड है, मतलब कि एक जोड़ा है पूरा का पूरा। ठीक है, बक्कल गैंग्लिया का एक जोड़ा, सेरिब्रल गैंग्लिया का एक जोड़ा, जस्ट नीचे आओगे पीडल गैंग्लिया। ठीक है, और जस्ट इधर उसके आगे यहाँ इन दोनों बराबर साइड में प्लूरल गैंग्लिया। तो प्लूरल पीडल गैंग्लिया, जब ये आपस में गैंग्लिया आपस में जुड़ते हैं तब आप उसे कहाँ कहोगे, किसी की हेल्प से, जैसे कि कॉम्यूसियस कनेक्टिव इनकी हेल्प से जब जुड़ते हैं तब इसको हम बोलते हैं प्लूरोपीडल गैंग्लिया। जैसे देखो लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियन मास। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में भी होता है। तो इस तरीके से आपको जो सबसे पहले हमने एक सिंगल गैंग्लिया की बात कर रहे हैं ना, अब जैसे ही आपस में जुड़ जाएगा तब हम उसको कंप्लीटली जुड़ करके हम इसे स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा जब जस्ट नीचे की तरफ देखें तो यह प्लूरल गैंग्लिया के बाद है सब इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और विसरल गैंग्लिया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आखिर गैंग्लिया की पोजिशन क्या है। सबसे ऊपर की तरफ बक्कल गैंग्लिया, नीचे की तरफ सेरिब्रल गैंग्लिया, फिर उसके बाद पीडल गैंग्लिया, फिर प्लूरल गैंग्लिया और फिर सब इंटेस्टाइनल गैंग्लिया और विसरल गैंग्लिया। तो इस प्रकार से 5 तरह के गैंग्लिया हो गए। अब क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर ये जो गैंग्लिया है इन्हें जोड़ता कौन है। ठीक है, जोड़ने वाली जो नर्व होती है उनको हम क्या कहते हैं। देखो अब ये जो गैंग्लिया है ये इस सेरिब्रल गैंग्लिया है। ठीक है, अब ये सेरिब्रल गैंग्लिया आपस में जो जिस इस लाइन के साथ जुड़े हैं, इस लाइन को या इस नर्व को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्यूसियस। क्या बोलेंगे, कॉम्यूसियस। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे या कोई भी एनीबॉडी एल्स आपसे पूछ ले कि भाई ये जो गैंग्लिया होता है इसको जोड़ने वाली नर्व को हम क्या बोलते हैं, तो आप क्या होगे, कॉम्यूसियस। ठीक है, अब ये जो आप यहाँ पर देखो ये दो सेरिब्रल गैंग्लिया को जोड़ने वाली कॉम्यूसियस को हम क्या नाम देंगे, सेरिब्रल कॉम्यूसियस। क्या बोलोगे आप उसको, सेरिब्रल कॉम्यूसियस। देखो ये है हमारे पास कौन सी गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया, ये भी सेरिब्रल गैंग्लिया, ये लेफ्ट है ये राइट है, इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो नर्व बीच में गई है इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉम्यूसियस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाम भी याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखो यह ऊपर बक्कल गैंग्लिया, तो बक्कल गैंग्लिया को जोड़ने वाली जो कॉम्यूसियस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बक्कल कॉम्यूसियस। ठीक है, सिंपल इसी तरह के सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू याद करो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया गैंग्लिया के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया, कॉम्यूसियस मैंने आपको बताया, जो सिमिलर टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हो, जो सेम तरह का जो गैंग्लिया है उसको आपस में जोड़ने वाले नर्व को हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूसियस। जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हैं उसको बोला जाता है कनेक्टिव्स। ठीक है, तो 3 तरह के नाम को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, आपको बता दिया कनेक्टिव क्या होता है, कॉम्यूसियस क्या होता है और गैंग्लिया क्या होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर्स को आप आसानी से समझ सकते हैं, इसे बोलेंगे हम ब्लड कॉम्यूसियस। ठीक है, ये बोलेंगे हम सेरिब्रल कॉम्यूसियस क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे राइट सेरिब्रल गैंग्लिया, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट सेरिब्रल गैंग्लिया, इसको बोलेंगे हम सेरिब्रल नर्व। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेरिब्रल नर्व और इसको सेरिब्रल बक्कल कनेक्टिव। ठीक है, सेरिब्रल बक्कल कनेक्टिव,
जस्ट इस साइड में आपको दिखाई देगा, ये जो इस नर्व गई हुई है इसको बोल के हम सेरिब्रल पेडल कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव मैंने आपको बता दिया, जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ते हो। उसके बाद ये देखो बीच में जो स्ट्रक्चर गई है, सबसे पहले तो आप इसे क्या, इसे इस वाले स्ट्रक्चर को जो ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर है, आपको वहां पर ये भी एग्जाम पेपर में ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो है किस शेप का होता है। यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ आप बताएंगे ट्राई एंगुलर शेप का होता है, कैसा, ट्राई एंगुलर, ट्राई एंगुलर कैसा होता है, त्रिभुज का, त्रिभुज के आकार का, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसी बात नहीं है एक 100% डायग्राम ये मैंने सही बनाया है, ये भी बात गलत है, ठीक है। कोई भी चीज 100% एफिशिएंस हो ही नहीं सकती, आप सब पहले से ही पढ़ चुके हो, साइंस के स्टूडेंट हो। देखो लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लिया मास, इसको बोला जाता है लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लिया मास, इसको बोला जाता है यहाँ पर इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ये जो बीच में नर्व गई है इसको बोला जाता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व, इसको बोला जाता है पैराइटल नर्व, ये जो इस तरह से गई है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे की तरफ ये जो इसको बोलेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ये जो बीच में गई है सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे विसरल नर्व, ठीक है, और इसे बोलेंगे इन दोनों आपस में जो पेयर में पाए जा रहे हैं इसको बोलेंगे विसरल गैंग्लिया, ठीक है। इससे जो जाने वाली नर्व है उसको बोलेंगे हम विसरल नर्व, ठीक है, ये है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। तो इस तरह से इनके जो नाम है वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ आसान है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस गैंग्लिया से आपस में जुड़ा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख लो, आपने यहाँ पर देख लिया कि ऊपर की तरफ बक्कल गैंग्लिया है, बक्कल गैंग्लिया को जोड़ने वाला जो कॉमिस्यूर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, बक्कल कॉमिस्यूर्स, ठीक है। सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला सेरिब्रल कॉमिस्यूर्स, उसके बाद प्लूरोपेडल इन दोनों जो को जोड़ने वाला, इन दोनों गैंग्लिया को जोड़ने वाला इसको बोलेंगे हम प्लूरोपेडल कॉमिस्यूर्स, ठीक है, प्लूरोपेडल गैंग्लिया कॉमिस्यूर्स, ठीक है। अगर ये डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहा है वहां पर हम कनेक्टिव लगा देंगे, ठीक है। अगर सेम तरह का गैंग्लिया आपने देखा कि जैसे ये देखो इसको बोलेंगे सेम सेरिब्रल गैंग्लिया, दोनों सेम तरह का है गैंग्लिया, ठीक है, और इसको जोड़ने वाली जो बीच में नर्व गई है ये भी बिल्कुल इन दोनों को सेम तरीके से जोड़ रही है, तो इस नर्व को क्या बोलेंगे आप, कॉमिस्यूर्स, ठीक है। तो कॉमिस्यूर्स अब इसी के बेस पर इसका नाम भी लिख दो, सेरिब्रल कॉमिस्यूर्स इसका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइप के जैसे ये गैंग्लिया और इस गैंग्लिया में डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है सेरिब्रल गैंग्लिया और ये पीछे वाला बक्कल गैंग्लिया, तो इन दोनों ये दोनों डिफरेंट तरह के गैंग्लिया है, ये बक्कल है ये सेरिब्रल है, तो इनको जोड़ने वाले जो भी नर्व होगी उसको हम बोलेंगे कनेक्टिव, क्योंकि डिफरेंट टाइप का गैंग्लिया को जोड़ रही है, ठीक है। ऐसे आपको नाम याद करना है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले इसको नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं एक एक करके गैंग्लिया को डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पेपर में आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा गैंग्लिया को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए अपने माइंड में कि आखिर गैंग्लिया को एक्सप्लेन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको वहां पर बताना होगा वन पेयर ऑफ सेरिब्रल या फिर लेबियल गैंग्लिया पाया जाता है, ठीक है। पाइला के नर्वस सिस्टम के ऊपर सबसे ऊपर आप डिफाइन करेंगे नंबर फर्स्ट गैंग्लिया वन पेयर ऑफ सेरिब्रल या फिर लेबियल गैंग्लिया, ठीक है। अब इसके हम बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ द बक्कल मास के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, और थोड़ा बिग होता है, बड़ा होता है, फ्लैट होता है और ट्राइंगुलर होता है। ट्राइंगुलर का मतलब होता है जैसे कोई त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको वहां पर डिफाइन करने के लिए काफी है कि ये जो है बक्कल मास के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ बक्कल मास एंड बिग होता है, थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा चपटा होता है, ठीक है, और फ्लैट होता है एंड ट्राई एंगुलर शेप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर सेकंड बक्कल गैंग्लिया, ठीक है। ब्यूकल गैंग्लिया की अगर हम बात करें तो यह भी ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर्स होती है और बक्कल मास और यूसोफेगस के इधर उधर जस्ट साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड डिफाइन करते हैं प्लूरोपेडल गैंग्लिया। अब ये जो प्लूरोपेडल गैंग्लिया होता है ये गैंग्लियो मास, जब बहुत सारे गैंग्लिया आपस में जुड़े होते हैं इसको बोला जाता है गैंग्लियोनिक मास, ठीक है। क्या बोलेंगे, गैंग्लियोनिक मास, जहां से बहुत सारे गैंग्लिया आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ गैंग्लिया इज कॉल्ड गैंग्लियोनिक मास, ठीक है। तो यहां पर आप इसे क्या बोलेंगे, जो प्लूरोपेडल गैंग्लिया होता है वन पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा होता है, ट्राई एंगुलर शेप का ये भी होता है, और ये गैंग्लियोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। गैंग्लियोनिक ग्रुप को हम गैंग्लियोनिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बक्कल मास की ये जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अगर आपके प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये बक्कल मास के भी दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी बक्कल मास के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है, इसको इसके जब हम बात करें थोड़ा सा प्लूरोपिडल गैंग्लिया के जस्ट नीचे की तरफ जो है फ्यूज्ड रहता है सब इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, और जस्ट उससे नीचे यहाँ पर हम बात कर ले यहाँ ये जस्ट लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियर प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा स्पिंडल शेप का होता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये ब्लड के साइनस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा गैंग्लिया के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा इसके कम्यूस्यूल्स के बारे में, कम्यूस्यूल्स कहाँ कैसे कैसे आपस में जुड़े रहते हैं, इसको पहले नोट करेंगे। सो गाइस, अब हम डिफाइन करेंगे कॉमिस्यूर्स को। ठीक है, अब ये कॉमिस्यूर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉमिस्यूर्स वो होता है जो कि सेम टाइम सेम तरह के गैंग्लिया को आपस में जोड़ता है। ठीक है, एक ही तरह के गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला जो नर्व होता है उसको हम बोलते हैं कॉमिस्यूर्स। अब ये भी यहाँ पर थ्री टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट सेरिब्रल कॉमिस्यूर्स। ठीक है, सेरिब्रल कॉमिस्यूर्स की क्या खास बात है कि ये जो है दिस इज अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर, एक फीते के समान स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, विच इज एड बोथ सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, दोनों गैंग्लिया को एड करता है और दोनों तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, विच इज एड बोथ टाइप ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, वहीं पर हम बात करें बक्कल कॉमिस्यूर्स, नंबर सेकंड पर आता है बक्कल कॉमिस्यूर्स। सो दिस इज अ थिन नर्व स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पतली सी एक नर्व स्ट्रक्चर होती है विच इज एडिंग बोथ बक्कल गैंग्लिया। ये दोनों बक्कल गैंग्लिया को आपस में जोड़ती है और लगभग फेरिंग्स के अराउंड होती है। ठीक है, फेरिंग्स के बराबर में जस्ट अधर तल पर स्थित होती है। उसके बाद बात करते हैं पेडल कॉमिस्यूर्स। पेडल कॉमिस्यूर्स की अगर हम बात करें तो वन पेयर, ठीक है, ये एक जोड़ी होती है और थिक बैंड लाइक नर्व होती है। थिक मतलब कि थोड़ा मोटा फीते के समान, ठीक है, बैंड लाइक एक नर्व होती है जो कि विच इज एड बोथ पेडल गैंग्लिया, जो कि दोनों पेडल गैंग्लिया को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो हमने किस बेस पर इनका नाम लिखा कि इनका जो ये जो कॉमिस्यूर्स होता है या फिर हम बात कर ले कनेक्टिव्स की, तो ये इनका नाम किस पर पड़ा है, इसका नाम आपको स्पेसिफिक रूप से याद करने की जरूरत नहीं है। ये जिस गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहे हैं उसी के बेस पर इसका नाम का स्ट्रक्चर आपको करना है। ठीक है, उसी की तरह आपको इसका नामांकन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपने एक बार याद कर लिया कि भाई ये ऊपर वाला सेरिब्रल गैंग्लिया है, इसको आपस में जोड़ने वाला जो भी कॉमिस्यूर्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेरिब्रल कॉमिस्यूर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट करना है। पहले ये नोट कर ले कॉमिस्यूर्स को फटाफट। सो गाइज, अब हम बात करेंगे कनेक्टिव्स के बारे में। अब ये कनेक्टिव्स क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ता हो। ठीक है, सेम टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाएगा, सेम टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला कहलाता है कॉमिस्यूर्स। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने टाइप के कनेक्टिव्स जो है पाइला के नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, ए पेयर ऑफ सेरिब्रोबक्कल कनेक्टिव। अब इसका काम क्या है, इसके नाम से ही याद आ रहा है। ठीक है, इसके नाम से ही इसका काम निकल कर आ रहा है कि ये जो है सेरिब्रो और बक्कल इन दोनों गैंग्लिया को आपस में जोड़ता है, जो कि ये डिफरेंट टाइप के बक्कल के मतलब कि डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया हैं। ठीक है, सेरिब्रो एक अलग गैंग्लिया है, बक्कल एक अलग गैंग्लिया है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव्स है वो कहलाएगा कि सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, और ये एक जोड़ी पाया जाता है इसलिए बोलेंगे ए पेयर ऑफ सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव। समझ में आया, मतलब कि इनके नाम पर ही जो है इनका काम है और इनके काम पर ही इसका नाम है। नंबर बी, ए पेयर ऑफ सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स, मतलब कि जो सेरिब्रो प्लूरल गैंग्लिया को मतलब ये दोनों टाइप के डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टिव्स को हम बोलेंगे सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स। ठीक है, ये भी एक जोड़े में पाया जाता है। सो वी कैन से दैट ए पेयर ऑफ सेरिब्रो प्लूरल कनेक्टिव्स। नंबर सी या फिर नंबर थर्ड, ए पेयर ऑफ सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव, मतलब कि सेरिब्रो गैंग्लिया एंड पेडल गैंग्लिया इन दोनों को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव होता है, इन दोनों डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रो पेडल कनेक्टिव, एंड ये भी वन पेयर में पाया जाता है। एंड नंबर डी क्या कहता है कि प्ल्यूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर प्ल्यूरो प्लस इंफ्रा इंटेस्टाइनल को जो गैंग्लिया है इनको आपस में जोड़ने,
तो इसको बोलेंगे हम प्लूरो इंफ्रा इंटेस्टाइनल कनेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर ई आता है इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। तो जो विसरल और इंफ्रा इंटेस्टाइनल को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव है उसको बोलेंगे हम इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। उसके बाद सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव है इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला। सिंपल से है कि सुप्रा इंटेस्टाइनल और विसरल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला इन दोनों को कनेक्टिव को बोलेंगे हम सुप्रा इंटेस्टाइनल और विसरल कनेक्टिव। मतलब इनके नाम पर ही इनका जो काम है कि आपस में जोड़ना उसी के ऊपर इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, सुप्रा इंटेस्टाइनल और प्लूरल कनेक्टिव प्लूरल गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला। ठीक है, सुप्रा इंटेस्टाइनल और प्लूरल इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव है उसको बोलेंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल प्लूरल कनेक्टिव। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इसकी कंप्लीट नर्वस सिस्टम को आपको याद करना है या फिर एग्जाम पेपर में इसको लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखोगे। नंबर फर्स्ट तो आपको यहां पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपने डायग्राम में एक पिक क्लिक कर लो। ठीक है, मतलब कि तब तक के याद करो जब तक के मतलब कि आपको याद ना हो जाए। कंप्लीट बार बार याद करने की कोशिश करो इसके डायग्राम में कहां पर कौन सी स्ट्रक्चर निकल कर आ रही है। ठीक है, डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोमेनक्लेचर आप बड़ी आसानी से कर दोगे क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा जहां जहां गैंग्लिया है। ठीक है, गैंग्लिया को याद कर लो, यहाँ ऊपर की तरफ सेरिब्रो गैंग्लिया है, नीचे की तरफ हल्का सा जस्ट साइड में बक्कल गैंग्लिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको गैंग्लिया के नाम हो जाएंगे उन गैंग्लिया के नाम के बेस पर ही आप कमिस्यूल्स का नाम लिखोगे और कनेक्टिव का नाम लिखोगे तो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेन काम क्या है अब आपका कि आपको पहले डायग्राम याद करना है और फिर गैंग्लिया का नाम याद करना है, बाकी सब कुछ आप अपने आप कर देंगे क्योंकि आपको पता है कि इसके नाम पर ही गैंग्लिया के नाम पर ही इसका नाम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई ये है सेरिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, अब ये सेम टाइप के गैंग्लिया को अगर आपस में जोड़ने वाला जो नर्व होगी उसको हम बोलेंगे सेरिब्रल कमिस्यूल्स। ठीक है, ठीक है, तो नाम पड़ गया इसका आपस में सेम टाइप के गैंग्लिया को जोड़ने वाला कमिस्यूल्स। तो इस प्रकार से सेरिब्रल कमिस्यूल्स, डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को आपस में जोड़ने वाला कनेक्टिव्स, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया। जैसे यहाँ पर देखो सेरिब्रो और बक्कल इन दोनों गैंग्लिया को डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे हम कनेक्टिव्स। तो इस प्रकार से आपको नाम याद करना है। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं 10 वीडियो, बाय बाय, टाटा।